A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your commerce teacher. Today we'll be studying about chapter 2 of commerce, that is capital, fixed and working, and this is for class 12 ISE. So the very first thing in this we will study about business finance. Ki business finance kya hota hai, finance planning kya hoti hai. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर और उनके जो फैक्टर्स होते हैं, ये वो सारी चीजें जो आपके सिलेबस में है. एनीथिंग दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, आई हैव नॉट टेकन इट. ठीक है, तो सबसे पहले आता है बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है? वट एवर मनी, वट एवर पैसा यू आर एम्प्लॉइंग इन द बिजनेस फर्म, आप अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दैट मनी मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फर्म इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस. इट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न्ड विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश. ठीक है, कैश और क्रेडिट बिजनेस फर्म में आप जैसे भी यूज करते हो, जैसे भी ले करके आते हो, your money in terms of cash, your money in terms of credit, उधार, या फिर whatever उधार you are taking from the people in terms of goods, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. that have and it at all times have the means to carry out their business operations smoothly. और ये वो चीजें हैं जो आपके business को बहुत ही smoothly run करा सकती हैं. okay, तो this is what business finance is. अब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस फाइनेंस पैसा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी मनी का मीनिंग, दैट इज फाइनेंसिंग. तो फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग मींस मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन एवर इट इज नीडेड. ओके, फाइनेंसिंग क्या होता है कि मनी को उस समय पर अवेलेबल करना, पैसा मुझे उस समय पर अवेलेबल होना जिस समय पर हमें उसकी जरूरत है. तो बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है? द प्लानिंग, रेजिंग, managing and controlling of all the money or capital funds of any kind used in connection with business. मतलब business में whatever money is being used. ठीक है, अब उस पूरे money का plan करना, पहले आप ये सोचो कि आपको वो पैसा खर्च कहाँ करना है, कहाँ से लेकर आओगे, कितना चाहिए, कहाँ से लेकर के आओगे, कैसे खर्च करोगे, और कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए. That is controlling. ऑल द मनी जो भी बिजनेस में जरूरी है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं. देन वी विल स्टडी द थर्ड पार्ट, दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें सबसे पहली चीज दी हुई है कि बिजनेस फाइनेंस में क्या आता है. वट एवर कैपिटल, वट एवर फंड्स आर इंक्लूडेड, वो सब बिजनेस में आते हैं, जिसमें हम लोग अभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. हम लोग इसमें फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे. तो जितने भी काइंड्स ऑफ फंड्स और कैपिटल्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं. द सेकंड पॉइंट सेज कि जो बिजनेस फाइनेंस है, दैट इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, बड़े छोटे, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, और वो ट्रेडिंग जो खरीद के बेचते हैं, उन सब में बिजनेस फाइनेंस, द मनी इज रिक्वायर्ड. उसके बाद बोला है कि बिजनेस, तीसरा पॉइंट क्या है कि बिजनेस फाइनेंस जो है वो एक बहुत वाइडर टर्म है. ठीक है, इट इज नॉट ओनली द एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स बट ऑल्सो द सोर्सेज. ये सिर्फ ये नहीं तय करता है कि बिजनेस में कितना अमाउंट की जरूरत है, आप कहाँ से, वट आर द सोर्सेज, आप कहाँ से उसको लाओगे, इन्वेस्ट कहाँ करोगे, मैनेज कैसे करोगे उसको, और उसको कंट्रोल कैसे करोगे, वो सारी चीजें बिजनेस फाइनेंस में आती है. ओके, तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में वट एवर थिंग्स आर देयर, तो हम लोग को यहाँ पर अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बैंक के बारे में. बैंक इन द सेंस की जो मनी है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है. लेंडर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. इन्वेस्ट हाउसेस अभी नहीं पढ़ेंगे. ठीक, फाइनेंस कंपनीज अभी नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज अभी नहीं पढ़ेंगे. तो दीज टू आर द थिंग्स जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, स्पेशली द लेंडर्स पार्ट, कि भाई इक्विटी शेयर्स हो गया, ये सारी चीजें हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे. अभी के लिए वी विल स्टडी ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस, अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस वो क्या कहता है? नाउ इम्पोर्टेंस इज कि जो फर्म है, एंड दिस इज इन योर सिलेबस, इसीलिए इसको लिया गया है. सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो फर्म है,
कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम, जो फर्म है अपनी लाइबिलिटीज से समय पर मीट कर सकती है, इन द सेंस कि अगर उसके पास पैसा होगा तभी जो उसके उधार हैं वो उनको पे ऑफ कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन रेजिंग क्रेडिट स्टैंडिंग, उससे क्या होगा कि वेन एवर यू नीड क्रेडिट पीपल विल बी देयर और इंस्टीट्यूशंस विल बी देयर टू गिव यू मनी. एज अ रिजल्ट जो फर्म है दैट कैन इजिली बोरो फंड्स एज एंड वेन नेसेसरी. जस्ट बिकॉज आपका जो क्रेडिट रेटिंग स्कोर है वो बहुत हाई रहेगा तो उससे वेन एवर यू विल बी नीडिंग फंड्स आपको वो मिल जाएंगे. द सेकेंड पॉइंट सेज कि जो फर्म है इट कैन हैव इट कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. इट कैन बाय गुड्स और इन और द मटीरियल्स इन बल्क एट लो प्राइस. कि अगर आपके पास फाइनेंस रहेगा तो आप तुरंत कैश दे करके गुड्स ज्यादा खरीद सकते हो और कम पैसे में. अगर आप उधार पे वही चीज खरीदोगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल नॉट द सप्लायर्स वोंट टू गिव यू मनी, दे वोंट गिव यू द गुड्स एट लोअर प्राइस. वो कहेंगे या तो आप अभी पेमेंट कर दीजिए तो हम आपको इतने का देंगे, और बाद में करेंगे तो दे विल चार्ज इंटरेस्ट. देन जो फर्म है दे कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली विदाउट एनी इंटरप्शन. जो फर्म है वो अपना बिजनेस बड़े आराम से कैरी ऑन कर सकता है, दिस विल बी हेल्पफुल. फिर जो फर्म है वो जो भी उसके प्लांट्स और मशीनरी है पहले की उसको रिप्लेस कर सकता है और नए नए बिजनेस मतलब अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए नई नई मशीनरी वो ला सकता है. सो दैट जो उसका टाइम जो उसका पीरियड है वो स्मूथली रन करता रहे. उसके पास अगर मनी होगा तो द फर्म कैन फेस रिसेशन, ओके, द ट्रेड साइकिल्स एंड अदर क्राइसिस मोर इजिली एंड कॉन्फिडेंटली इन बिजनेस. तो क्या बोला गया है कि बिजनेस फर्म जो है वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द रिसेशन, जहां पर मोर एंड मोर पीपल देयर इज लेस ऑफ डिमांड एंड मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड उस टाइम पर, या ट्रेड साइकिल्स जो होती है उस टाइम पर, वो कोई भी ऐसी क्राइसिस आएंगी चाहे वो बूम हो, डिप्रेशन हो, वट एवर थिंग्स आर देयर, बूम हैप्पी पीरियड, डिप्रेशन सैड पीरियड, तो वो सब वो बहुत ही इजिली फेस कर सकता है. नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड डिटरमाइंस द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज. और जितना आपके पास अवेलेबल होंगे फंड्स वो ये डिसाइड करेगा कि आप कितने बड़े लेवल पर काम कर सकते हो. जो फर्म है इट विल हैव एडिक्वेट फंड्स और इसी के कारण इट विल बी इजियर टू बाय फिक्स्ड असेट्स एज वेल एज करेंट असेट्स. देन जो फाइनेंस है दैट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स. पैसे मनी इफ यू हैव तो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच का जो गैप है इट विल बी फिक्स्ड अप. मतलब प्रोडक्शन हो गया है अब हमें इसको सेल करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए, सो दैट आई कैन लेट माय प्रोडक्ट्स रीच द कंज्यूमर, तो उसके लिए भी मनी हमको चाहिए होगा. फिर नाइन्थ वाला पॉइंट क्या कहता है कि एक एंटरप्राइज जिसके पास एडिक्वेट फंड्स हैं वो वेजेस और सैलरीज पे कर सकता है टाइम पर, और इसके कारण वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज होगा एंड इट विल हेल्प इन रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग द टैलेंट. जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो भाग भाग के नहीं चले जाएंगे. देन जो भी सोर्स साउंड फाइनेंशियल पोजिशन है इट विल इनेबल एन एंटरप्राइज टू एंजॉय गुडविल एंड रेप्यूटेशन. ओके, तो क्या बोला गया है कि एक फर्म जिसके पास मनी है ऑब्वियसली दे हैव मोर कस्टमर्स, वो अच्छे पैमाने पर प्रोडक्शन करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे, तो उनकी डेफिनेटली मार्केट में गुडविल रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई रहेगी. देन कम्स द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स. तो सबसे पहली चीज इसमें बताई गई है कि वॉट इज कैपिटल. तो कैपिटल क्या होता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने बिजनेस में फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल. और कैपिटल हमें दोनों ही चीजों के लिए चाहिए होता है, प्रोडक्शन के लिए भी, सामान को बनाने के लिए भी, और सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी. तो वो अब ये भी चीजें पूछी गई थी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जिसमें बोला गया है कि आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बतानी है सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की और जॉइंट स्टॉक कंपनी की. तो सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटर. सोल प्रोप्राइटर एक
छोटे पैमाने पर काम करता है, जस्ट बिकॉज देयर इज ओनली वन पर्सन, तो वो छोटे पैमाने पर काम करता है और उसी के कारण जो उसकी अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इज ओनली इज वेरी मच लिमिटेड. यू कैन सी इट हेयर कि भाई एक ही पर्सन है, दुनिया भर की चीजें उसको देखनी करनी है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी ओन्ड कैपिटल होता है, ओन्ड कैपिटल जो उसका खुद का कैपिटल है, एंड वो किस उसमें क्या आता है, वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है और प्लस जो भी उसके पास बचा हुआ बिजनेस से लिया हुआ प्रॉफिट है, वो सब उसके पास रहता है. तो दिस ही कैन इन्वेस्ट इन द बिजनेस. इसके अलावा वो लोन्स भी रेज कर सकता है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मनी पा सकता है. शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म लोन जो उसके डेली डेली का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए अगर उसको चाहिए तो वो उसको कॉमर्शियल बैंक से मिल सकता है. लॉन्ग टर्म लोन्स भी उसको मिल सकते हैं फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और ऐसे ही अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, सम सॉर्ट ऑफ स्कीम्स निकाली है सो एज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. फिर बोला गया है, अब दूसरा आता है पार्टनरशिप. तो कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि जो भी ओन्ड कैपिटल है वो तो पार्टनर्स अपने अग्रीड रेशियो में लेकर के आते हैं कि हम इतना पैसा लेकर के आएंगे, हम इतना पैसा लेकर आए. दिस यू वुड हैव स्टडीड इन अकाउंट्स आल्सो. तो जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट्स होते हैं, दैट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट, भी उनके ओन्ड कैपिटल का ही हिस्सा होता है. जो पार्टनरशिप फर्म होती है, दे कैन रेज लोन्स फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और समटाइम्स वो खुद भी फर्म को लोन देते हैं अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल दैट दे आर इन्वेस्टिंग. और जो फर्म है वो मशीनरी और इक्विपमेंट बाय कर सकता है ऑन इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज बेसिस, ठीक है. और उसके बाद वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट किससे ले सकता है, फ्रॉम सप्लायर्स से ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स. तो मतलब उनका जो भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, इट इज मोर देन द सोल प्रोप्राइटर एंड लेसर देन द कंपनी. अब है कंपनी, इट रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू ऑल थ्री, जॉइंट स्टॉक कंपनी को सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है. वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो भी वो इश्यू करती है, जो भी उसको चाहिए होता है, इट इज थ्रू शेयर्स. दिस ऑल्सो यू वुड हैव स्टडीड इन अकाउंट्स पार्ट. इन एडिशन टू शेयर कैपिटल, इट कैन यूटिलाइज इट्स रिटेन्ड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. मतलब जो भी शेयर कैपिटल है उसके अलावा वो जो भी उसके पास रिटेन्ड प्रॉफिट है वो रिजर्व के, जो उसके पास रिजर्व के फॉर्म में है वो भी वो यूज कर सकती है. और उसके बाद वो बोरोड कैपिटल दे कैन, मतलब ईदर दे हैव देयर ओन कैपिटल दैट इज थ्रू शेयर्स, और दे कैन बोरो इट फ्रॉम आउटसाइड दैट इज थ्रू डिबेंचर्स एंड लोन्स. और ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोग लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकते हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो कॉमर्शियल बैंक से उनको मिल जाते हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चूजिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज्ड. तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, हम उसमें ये तय करते हैं कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितना मनी का जरूरत है, हाउ मच मनी वी नीड, चूजिंग द सोर्सेस किस सोर्स में, वेदर यू विल गो फॉर इक्विटी, वेदर यू विल गो फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सो आप किसकी तरफ जाओगे, एंड डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज. और जब आपके पास मनी आ जाएगा तो यू हैव टू डिसाइड कि आप उसको कहाँ पर खर्च करना पसंद करोगे. देन नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें सबसे पहले आता है, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग वेन हाउ एंड वाई ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी. वो जो मनी है दैट यू हैव, आप उसको कहाँ खर्च करना पसंद करते हो, वेन, कब, कैसे और क्यों. और उसके बाद नेक्स्ट इज, जैसे बाकी प्लानिंग्स होती है ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड है और फोकास्टिंग इसमें होती है. फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर्स रिलेटेड एंड इसमें फोकास्टिंग होती है. मीन्स यू हैव टू, यू हैव, यू नीड टू हैव सम एस्टिमेशन कि हम
फ्यूचर में इतना पैसा खर्चा करेंगे, हमारा इतना रिटर्न्स होगा, वी हैव टू पे दिस मच ऑफ मनी एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ये सारी चीजें आप पहले से फोकास्ट करके रखते हो। देन इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू योर कंसर्निंग द मनी। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, व्हाट थिंग्स आर देयर, तो सबसे पहले इसमें आता है द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए, वट एवर अमाउंट ऑफ फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल यू नीड वो इसमें आएगा। यू हैव टू डिसाइड फिक्स कैपिटल दैट यू इन्वेस्ट इन फिक्सड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल इज करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, मतलब उस टाइम पर योर डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो आपको मनी की जरूरत होती है दैट कम्स अंडर वर्किंग कैपिटल। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड रेशियो इन द टोटल अमाउंट, कि आपको ये तय करना है कि वट एवर फंड्स यू नीड आप उनके किन आप उनको किन सोर्सेज से लोगे, ठीक है। एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज की वो जो सोर्सेज है जब आप उनसे मनी ले रहे हो, व्हेन यू हैव द मनी तो वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट, हाउ यू विल डिस्पोज योर अर्निंग्स, वट एवर यू हैव अर्नड थ्रू योर रिटर्न्स और प्रॉफिट्स, आप उसको कहाँ पर लगाओगे, मीन्स वट वेयर यू विल इन्वेस्ट इट एज पार्ट ऑफ डिविडेंड एज पार्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, आप उसको कहाँ लगाओगे। तो वट वी नो अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें क्या आता है, इट इज अ डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन, हाउ यू विल इन्वेस्ट द मनी इन योर कंपनी, आपके पास जो आपकी जो भी फर्म है ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, द कैपिटल स्ट्रक्चर, द कैपिटल बजटिंग, ये हम लोग अभी भी अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद क्रेडिट कलेक्शन एंड डिविडेंड पॉलिसी, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देन कम्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका कॉमर्स में पूछा भी गया था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस क्या होता है, कॉम्पोजिशन और मेकअप ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, कि लॉन्ग टर्म फंड्स वो पैसा जो लंबे समय के लिए है, लॉन्ग टर्म है, फिक्स्ड कैपिटल नेचर का है, तो वो आप किस 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 सोर्सेस से लोगे, ठीक है। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है कि वेदर इट विल बी फ्रॉम डेटर्स, वेदर इट विल बी फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर्स और फ्रॉम इक्विटी शेयर्स और फ्रॉम सम अदर सोर्सेस, तो वो कहाँ से होगा, दिस विल बी डिसाइडेड इन दिस पार्ट। फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है दिस इज अ डेफिनेशन दैट यू शुड स्टडी। फिर उसके बाद बोला है कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो कहाँ से, लॉन्ग टर्म फंड जो है वो ओनर्स दे सकते हैं और वो बोरोवर्स दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। ओनरशिप फंड्स में क्या क्या आता है, द शेयर कैपिटल एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज सेट असाइड सो दैट इट कैन बी यूज इन फ्यूचर। और बोरोड फंड्स में क्या आता है, आपके डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स आर द काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जिसमें जो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है दैट इज ऑफ फिक्स्ड नेचर, एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड करके हम उस पर उतना ही इंटरेस्ट पे करते हैं। और ये जो शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है, अगर आप इसमें इक्विटी की बात करो तो इक्विटी में क्या होता है, दैट जो भी पेमेंट आपको करनी है ऑफ शेयर्स, डिविडेंड जो भी पेमेंट आपको करनी है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कि अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो उनको ज्यादा पेमेंट मिलेगा। प्रेफरेंस में क्या होते हैं, अगेन देयर इज प्रॉफिट बट देयर इज फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी प्रॉफिट्स होती हैं ऑलरेडी। फिर बोला गया है, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, पढ़ लो, दीज ये चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहला बोला गया है तो रेशियो होता है बिटवीन इक्विटी एंड द बोरोड फंड्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिटल गियरिंग या फिर फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। जो रेशियो ऑफ जो भी कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन रेशियो है, इक्विटी आपके ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स का जो भी रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गियरिंग या फिर फाइनेंशियल लीवरेज। फिर बोला गया है कि अगर जो डेट है, अगर जो आप डिबेंचर्स ले रहे हो और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो मिला करके ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाई गियरिंग कहेंगे या फिर ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। थिन इक्विटी इन द सेंस कि उस टाइम पर इक्विटी या ओन्ड फंड्स का जो हिस्सा है वो कम है, और अगर आप ये अगर जो इक्विटी का पोर्शन है वो ज्यादा है कैपिटल स्ट्रक्चर में,
तो आप ये कहते हो कि वहां पर लो गियरिंग है या फिर देयर इज ट्रेडिंग ऑन थिक इक्विटी. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आता है मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. इसके बाद फिक्स्ड कैपिटल, उसके फैक्टर्स, वर्किंग कैपिटल, उसके फैक्टर्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स में. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लीवरेज, वेन एवर अ कंपनी यूजेस बोरोड फंड्स, कभी भी अगर कंपनी जो है वो बाहर से डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेती है इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस अलॉन्ग विद इक्विटी, जो भी उसके पास शेयर कैपिटल है उसके बाद उसके अलावा अगर वो डिबेंचर्स भी लेती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ओके, अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का देखो यहाँ पर क्या लिखा है. व्हेन फर्म इश्यूज डेट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, एंड लोन्स आल्सो टू रेज फंड्स, तो वो किस में आता है, वो आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में. दे यूज फंड्स टू परचेज एसेट्स, फाइनेंस न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्ट इन अदर वेन्यूज, और जो फर्म है इम्प्लीमेंट दिस टू जनरेट एडिशनल रिटर्न्स. ओके, और फर्म क्या करती है, वो इश्यू करती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स टू क्रेडिटर्स, और जो क्रेडिटर्स हैं दे रेज फंड्स टू बाय असेट्स, दे बाय द फर्म्स असेट्स. ओके, फिर लिखा हुआ है इसमें कि कभी भी अगर जो रेट ऑफ अर्निंग है ऑफ अ कंपनी है वो हायर है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे फंड्स को बोरो किया गया है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको अर्निंग पर शेयर जो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन गेट अर्निंग हायर अर्निंग पर शेयर ड्यू टू टू रीजंस. क्या बोला गया है इसमें कि कभी भी अगर जो रेट ऑफ अर्निंग है ऑफ द कंपनी इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो अपने फंड्स पे दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको मिल रहा है, तो वो दो रीजन से हो सकता है. अब कौन से दो रीजन है जिसके कारण इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेबल ऑन डेट एंड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस कैपिटल रिस्पेक्टिवली. क्या बोला गया है कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो दैट इज पेबल ऑन डेट एंड प्रेफरेंस कैपिटल टुगेदर. ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट दैट इज पेड ऑन डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स. तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर जो रेट ऑफ अर्निंग्स है ऑफ अ कंपनी वो ज्यादा है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द फंड्स आर बोरोड, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको हायर अर्निंग मिल रही है, वो इस इन दो रीजन से मिल रही है. क्योंकि मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी अगर अर्निंग्स है उनका जो पैसा है वो ज्यादा बच रहा है एज कंपेयर टू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पैसा मिल रहा है. वो क्यों मिल रहा है, तो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उनका ज्यादा है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स का हिस्सा ज्यादा मिल रहा है. फिर बोला गया है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है दैट इज डिजायरेबल ओनली व्हेन, वो सिर्फ नेसेसरी है, मीन्स यू आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस डिबेंचर्स ओनली व्हेन, जब जो रेट ऑफ अर्निंग्स है वो ज्यादा है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट और डिविडेंड के अलावा भी यू हैव सम मनी जो आपके पास रह जाएगा दैट इज योर अर्निंग्स, और वो ज्यादा होना चाहिए. जो कंपनी की अर्निंग्स है वो स्टेबल और रेगुलर हैं, एटलीस्ट इतनी रेगुलर हैं कि डिबेंचर्स पर जो उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है वो उनको इजीली मिल जाए. ठीक है, फिर सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स है टू ऑफर एज सिक्योरिटी टू लेंडर्स. क्या बोला गया कि और जो कंपनी है उसके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं जो वो लेंड जिसके कारण वो जो भी पीपल हैं जो उनका शेयर या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास सफिशियंट सिक्योरिटी हो कि भाई इस कंपनी के पास चलो अच्छे एसेट्स हैं, हम उसमें पैसा लगा सकते हैं. ठीक है, फिर बोला गया है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल, किसी भी इन अ कंपनी
इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, दे हैव वोटिंग राइट्स, और इसीलिए जो कंट्रोल ऑफ द कंपनी है इट लाइज इन देयर हैंड्स। किसी भी कंपनी में अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो उसमें यहाँ पर देखो मेन चीज क्या बोली गई है कि कोई भी कंपनी है वो कैसे डिसाइड करेगी वेदर इट हैज टू गो इन इक्विटी वेदर इट हैज टू गो ऑन डिबेंचर्स। तो क्या बोला गया, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं एंड इसीलिए कंपनी का कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में होता है। अगर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं दे वॉन्ट वॉट दे वॉन्ट टू रिटेन कंट्रोल इन देयर हैंड्स, तो उनको जो एडिशनल इक्विटी शेयर्स हैं वो नहीं इशू करने चाहिए, और इस केस में ज्यादा से ज्यादा फंड्स जो हैं वो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर से इशू कर लेने चाहिए। साफ साफ चीज उसमें सिर्फ इतनी सी बोली गई है कि इन केस जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले लोग आते हैं दोज आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, अगर वो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो एकदम स्टार्टिंग में ज्यादा हैं और उस टाइम पर दे डोंट नीड एक्स्ट्रा पीपल जो इक्विटी शेयर्स जिनको हम इशू करें ताकि लोग आकर के ओनर बन जाएं कंपनी के, तो आप डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, जहां पर प्रमोट ये सिर्फ तभी, दिस फैक्टर इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन क्लोजली हेल्ड कंपनीज वेन एवर प्रमोटर्स हैव लो शेयर होल्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स दैट एक अच्छा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो दैट इसमें चेंजेस करे जा सके व्हेनेवर नीडेड। डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है दैट कैन बी पेड ऑफ व्हेनेवर द कंपनी फील्स नेसेसरी, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट पेड ऑफ, उनको पे ऑफ नहीं किया जाता है, बट डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव टू बी पेड ऑफ। और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आर जनरली नॉट इशूड इन द इनिशियल स्टेज, क्योंकि वहां पर कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड बर्डन हो जाता है कि भाई जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या कहता है कि वो कंपनी जो लिबरल अर्निंग्स जिसको मिल रही है, फॉर एग्जांपल पब्लिक यूटिलिटीज कैन अफोर्ड टू हैव हाई कैपिटल गियरिंग, जिसमें क्या बोला गया है दैट ऑन द अदर हैंड जो बिजनेस फर्म्स हैं विच आर सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड अर्निंग्स। देखो पब्लिक यूटिलिटीज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल समझ लो, ठीक है, जहां पर देयर आर रेगुलर अर्निंग्स, हॉस्पिटल्स में लोग जाते ही हैं, तो उस टाइम पर हॉस्पिटल्स हो गए पार्क्स हो गए तो उस टाइम पर दे कैन एंजॉय रेगुलर मनी, बट जो भी बिजनेस फर्म जहां पर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं उनको इक्विटी कैपिटल पर ज्यादा डिपेंड होना होता है और प्रेफरेंस कैपिटल पर, और वो फर्म्स जो न्यू और स्टैग्नेंट होते हैं अभी ठहराव है उन्हें बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, इसीलिए वो ज्यादा इक्विटी शेयर्स को प्रेफर करते हैं। फिर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग शुड बी रीजनेबली लो। इसका क्या मतलब होता है, दैट जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिटर्न एक्सपेक्टेड है बाय पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिर्फ वही होगा जहां पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द कॉस्ट ऑफ डेट एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये टुगेदर जो है वो कम होना चाहिए। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इशू एक्सपेंसेस या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ऑफ शेयर्स होती है वो हाई होती है, इसीलिए जो नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ डेट है इट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाई, क्योंकि वहां पर फिक्स एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पर इन केस द कंपनी इज एंजॉयिंग प्रॉफिट्स तो वो प्रॉफिट्स का हिस्सा हमें शेयर होल्डर्स को भी देना पड़ता है। कंपनी शुड एस्टिमेट एंड कंपेयर द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बिफोर मेकिंग अ चॉइस अमंग देम। और कंपनी को अगर उसको लगता है कि वो अलग जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसमें से कुछ मनी गैदर कर सकती है तो उसको उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जो भी हाई रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं दैट मेक डेट फाइनेंसिंग मोर अट्रैक्टिव।
हाई रेट्स ऑफ टैक्स जो होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पर जब आप डेट फाइनेंसिंग कर रहे हो, आप डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरिंग से पैसा ले रहे हो, तो यहाँ पर टैक्स में डिडक्शन आपको मिल जाता है जब आप डेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन जो है वो अपना रहे हो। फिर बोला गया पीरियड एंड पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का आपका क्या बोला गया इसमें कि पर्पस क्या है। फॉर फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट इन्वेस्टर्स, जो इक्विटी शेयर्स हैं, आर द अप्रोप्रिएट चॉइस। जब आपको परमानेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उस टाइम पर इक्विटी शेयर्स आर गुड, बट डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स हमें तब चाहिए जब हमें मिड टर्म फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए। मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे। ओके, फिर लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट कंडीशंस में। कैपिटल मार्केट कंडीशंस में क्या लिखा हुआ है कि बूम पीरियड के टाइम पर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क ले सकते हैं और वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वहां पर प्रॉफिट्स हाई रहते हैं। बट बियरिश मार्केट में या फिर डाउन स्विंग मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट, मतलब उस टाइम पर जब कंपनी जो है वो थोड़ा सा लॉस सफर कर रही है तो उस टाइम पर उनको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके कारण दे विल गो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जहां पर उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया था इन दिस 2024 एग्जामिनेशन का जो स्पेसिमेन है उसमें से एक क्वेश्चन आया था, एक ब्लैंक के जैसे आया था क्वेश्चन, कि आपको ये बताना था कि ये कौन से तरीके का रिक्वायरमेंट है। दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ डेट इक्विटी एंड सीलिंग्स, और जो कंपनीज एक्ट है और सेबी के गाइडलाइंस है, दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक। तो ये ध्यान रखने का जो क्राइटेरिया ये किसके अंडर आता है, तो इट कम्स अंडर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि ये सारी चीजें पढ़ के उसके बाद ही आप फंड्स को रेज कर सकते हो। फिर है इन्वेस्टर्स की नीड क्या है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, जिसमें लिखा है कि वो जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कैपिटल गेन्स चाहिए, या फिर मैनेजमेंट में एक आवाज चाहिए, अ से इन द मैनेजमेंट चाहिए, डेफिनेटली आप उनको इक्विटी शेयर्स इश्यू करोगे, दे विल गेट इट। ओके, वो उसको ले लेंगे। और जो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो उन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिनको रेगुलर रिटर्न और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो इसीलिए नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स को देखा जाता है, उसके बाद ही थिंग्स आर डन। Then next is cash flow. This is the last point. Cash flow position क्या कहता है, that the company may be earning sufficient profits, but जरूरी नहीं है that it may generate cash flows at the time of payment of interest or loan installments. क्या कहा गया इसमें कि company जो है वो अच्छा खासा profit तो earn कर रही है, but it's not, it may not be, but जरूरी नहीं कि उस time पर उसको cash inflow हो ही रहा हो। ठीक है, जिस टाइम पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट उसको करना हो या लोन इंस्टॉलमेंट्स करने हो, इसीलिए उसको अपनी लिक्विडिटी पोजीशन अज्यूम कर लेनी चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेना चाहिए, सो एज टू डिसाइड कि उसको अपना डेट इक्विटी रेशियो क्या रखना है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कंपनी को उस टाइम पर इनफ्लो हो ही। समटाइम्स वो उसके पास कुछ अक्रूड इनकम होती है जो उसको अभी येट टू बी रिसीव्ड है, अभी उसको रिसीव नहीं हुई है, और उस टाइम पर कंपनी को एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले से बना लेनी चाहिए जिसमें वो ये डिसाइड कर ले कि अच्छा जिस टाइम पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस टाइम पर मेरे पास इतना कैश अवेलेबल होगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगी वेदर टू गो फॉर डेट और टू गो फॉर इक्विटी। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।